हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। डोडा पोस्ट तस्करों व पुलिस में फायरिंग, दो तस्कर गिरफ्तार, 18 किलोग्राम डोडा पोस्ट और हथियार बरामद। बारवी रोड चौराहे के पास पुलिस को देख बिना नंबर की कार में भागे बदमाशों ने चौखा में पुलिस पर गोली चलाई तो सरदारपुरा थाना पुलिस ने भी जवाबी हवाई फायर किए, साथ ही दो युवकों को दबोच लिया। तीसरा युवक कार से फरार हो गया। इसके बाद कार से 18 किलो डोडा पोस्ट, एक पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस, दो खाली खोल जब्त किए गए। सरदारपुरा थाना अधिकारी लिखमा राम ने बताया कि बारवी रोड चौराहे के पास बिना नंबर की कार में सवार कुछ युवकों के मादक पदार्थ बेचने की फिराक में होने की सूचना मिली। इस पर पुलिस मौके पर पहुंची तो तीन युवकों ने कार भगा दी। पुलिस ने नाकाबंदी कराई और कार का पीछा किया। कार चौपासनी रोड, डालीबाई मंदिर चौराहा, चौपासनी बाईपास, वस्त्र मंत्रालय के सामने से न्यायपुरा चौखा जा पहुंची। बारिश के दौरान दो युवक चलती कार से उतरे। एक युवक के हाथ में प्लास्टिक कट्टा और दूसरे के हाथ में पिस्तौल थी। वे गोलाई से होकर भागने लगे। पुलिस पीछे आ गई। तभी एक युवक ने पिस्तौल से पुलिस पर गोली चला दी। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। थाना अधिकारी लिखमा राम ने हवा में एक गोली चलाई और घेराबंदी कर डांगियावास थाना अंतर्गत बावरला निवासी सुनील विशोई और राम निवास विशोई को गिरफ्तार कर लिया। सुनील से एक पिस्तौल व एक जिंदा कारतूस और राम निवास से प्लास्टिक कट्टे में 18 किलो 150 ग्राम डोडा पोस्ट जब्त किया गया। आर्म्स एक्ट व NDPS एक्ट में मामला दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार किया गया। कार में फरार होने वाले खोकरिया निवासी कैलाश बिशोई की तलाश की जा रही है। आरोपी सुनील के खिलाफ सुमेरपुर थाने में NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज है और वो जमानत पर रिहा है। आज दोपहर में मुझे सूचना मिली कि बाबा रामदेव मंदिर बारवी चौराहे के पास एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, उसमें तीन व्यक्ति है जो अवैध हथियार बेचने की ट्रक में आए, तो मैं जाते कि मैं वहाँ पहुँचा तो एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी RJ02 में थी जो पुलिस की गाड़ी को देख कर तेजी से भागी, जिसका हमने पीछा किया। तो वो गाड़ी मसूरिया और इधर होते हुए राजीव गांधी नगर इलाके में पहुंच गई। इस बीच हमने DST टीम के भी कुछ जवानों को बुला लिया। लगातार पीछा करते करते वस्त्र मंत्रालय के आगे गली में उन लोगों ने गाड़ी को साइड में धीरे करके उनमें से दो व्यक्ति उतरे। एक के हाथ में पिस्टल था, एक के हाथ में एक कट्टा था जो भरा हुआ रहता था। वो चालक गाड़ी भरा के ले गया। हमने उन लोगों को घेरने की कोशिश की तो जिसके हाथ में पिस्टल थी उसने पुलिस जाब्ते पे हमारे पर टारगेटेड फायर किया, लेकिन हम बाल बाल बचे। जिसमें मैंने भी जवाबी फायरिंग की तो वो लोग एक हम थोड़ा सा सट्टे में आए, रुके और उनको रोका, घेरा, तलाशी ली तो 18 किलो डोडा और एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस। जागरूक टीवी के लिए जोधपुर से मुकेश शिमर की रिपोर्ट।